अंग्रेजी में अक्सर द इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और आपने देखा होगा कि द इस शब्द को कभी द कहा जाता है तो कभी दी कहा जाता है। और आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि द इस शब्द को द कहते हैं या दी कहते हैं। तो आइए आज हम जान लेते हैं कि द इस शब्द का सही उच्चारण क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाए और ऑल पर क्लिक करे। अंग्रेजी में तीन आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि ए, एन और द। बहुत से लोगों को इनमें से द इस शब्द का उच्चारण कहां पर कैसे करना है ये नहीं पता होता है। सामान्यतः द इस शब्द का उच्चारण द और दी ऐसे दोनों तरीके से होता है। ये दोनों भी उच्चारण सही है, लेकिन द शब्द का उच्चारण वो व्यंजन से पहले आता है या स्वर के पहले आता है इस पर निर्भर करता है। अंग्रेजी में कुल 21 व्यंजन है जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z, और पांच स्वर है जैसे कि A, E, I, O, U। अगर द यह शब्द व्यंजन से पहले आता है तो उसका उच्चारण द होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यह द के बाद स्पीड शब्द है और स्पीड का पहला अक्षर S यह एक व्यंजन है, यानी यहाँ द शब्द व्यंजन से पहले आता है इसलिए यहाँ द का उच्चारण द होगा, जैसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। साथ ही अगर द यह शब्द स्वर से पहले आता है तो उसका उच्चारण दी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी एंड, यह द के बाद एंड शब्द है और एंड का पहला अक्षर ई यह एक स्वर है, यानी यहाँ द शब्द स्वर से पहले आता है इसलिए यहाँ द का उच्चारण दी होगा, जैसे कि दी एंड। इसके अलावा द के बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होने के बावजूद भी अगर उस शब्द की शुरुआत व्यंजन के उच्चारण से होती है तो द को द कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सिटी, यहाँ द के बाद यूनिवर्सिटी यह शब्द है और यूनिवर्सिटी शब्द का पहला अक्षर यू यह एक स्वर होने के बावजूद भी इस शब्द की शुरुआत यू इस व्यंजन के उच्चारण से होती है इसलिए यहाँ द का उच्चारण द होगा, जैसे कि द यूनिवर्सिटी। साथ ही द के बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होने के बावजूद भी अगर उस शब्द की शुरुआत स्वर के उच्चारण से होती है तो द का उच्चारण दी होता है। फॉर एग्जाम्पल, दी अवर, यह द के बाद अवर यह शब्द है और अवर शब्द का पहला अक्षर एच यह एक व्यंजन होने के बावजूद भी इस शब्द की शुरुआत अ इस स्वर के उच्चारण से होती है इसलिए यहाँ द का उच्चारण दी होगा, जैसे कि दी अवर। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस रोजाना देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।